नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बुलेटिन में बीजापुर की। दंतेवाड़ा नारायणपुर की सीमा पर कल और आज हुई नक्सली मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 4 महिला नक्सली भी शामिल है। मारे गए नक्सलियों के शव को जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा लाया गया। मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई है, जिसमें डेटोनेटर, वायर, बीजीएल, कारतूस और नक्सली सामग्री बरामद की गई है। मुख्यालय लौटते समय जवान इंद्रावती नदी पार करते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। लाल आतंक पर एक बार फिर से नकेल कसी गई है और आपको बता दें 8 नक्सली इसमें मारे भी गए थे, जिनके शव भी लाए गए हैं। बड़ी मात्रा में ये नक्सली सामग्री जो है, विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। दंतेवाड़ा ये सभी के शव लाए गए हैं। बड़ी सफलता, जवानों को मुठभेड़ में 8 नक्सली मार गिराए गए हैं। डेटोनेटर, वायर, बीजीएल, कारतूस, वर्दी बरामद की गई है और अब सभी के शव दंतेवाड़ा लाए गए हैं। बता दें इन 8 नक्सलियों को जिनको मार गिराया गया है, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सभी के शव बरामद करके दंतेवाड़ा लाया गया है। तो नक्सलियों की बौखलाहट कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए जो अभियान जवानों द्वारा चलाया जा रहा है और लगातार मार गिराया जा रहा है, ये बड़ी सफलता जवानों के लिए है। एक और बड़ी सफलता, 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है जवानों के द्वारा। हुए कल पुलिस नक्सली मुठभेड़ में दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दंतेवाड़ा के सुरक्षा बल के जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी मौजूद है। नक्सलियों के मारे जाने के बाद जिला मुख्यालय में शव को लेके आया गया है और आप देख सकते हैं कि शव के साथ भारी तादाद में नक्सली सामग्री बरामद की गई है, जिसमें पिट्ठू, वर्दी और बीजीएल, मैं अपने साथी से कहूँगा कि ये दिखाए, ये बीजीएल, भरमार बंदूक और नक्सली साहित, ऐसे बहुत सारे दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। और इस कार्रवाई को दंतेवाड़ा पुलिस की एक बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मुठभेड़ हुई है, पिछले 2 दिनों की मुठभेड़ है और इस मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं और इन नक्सली मारे गए नक्सलियों की जो कैटेगरी है वह भी पता नहीं चली है, पर वर्दीधारी नक्सली हैं और इन नक्सलियों को मार गिराने में दंतेवाड़ा पुलिस को सफलता मिली है। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, News18 दंतेवाड़ा। लौट रही थी पार्टी सर्चिंग करने के बाद, रास्ते में जो है एक टीम के साथ फिर एम्बुस की कार्रवाई नक्सलियों के द्वारा किया गया, तो पुनः आज जो सुबह एक और नक्सली जो है मारी गई, जिसका शव बरामद किया गया और इस प्रकार टोटल 8 माओवादी इस अभियान में मारे गए हैं। रायपुर नारायणपुर मुठभेड़ पर डेप्यूटी सीएम ने बयान भी दिया है। नारायणपुर मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। जवानों के शौर्य और भुजाओं का यह आधार है। नक्सली मुख्य धारा से जुड़े, आगे बढ़ें, तरक्की करें। नक्सलियों के पत्र पर भी डेप्यूटी सीएम ने बयान दिया। नक्सलियों से आग्रह है कि आप बातचीत करें, यह भी बात उनके द्वारा कही गई है। तो 8 ऐसे नक्सली मारे गए हैं, ये सुरक्षा बलों के शौर्य का के आधार पर है, उनके भुजाओं की ताकत के आधार पर है। विनम्रतापूर्वक सरकार अपील करती है कि नक्सली सारे, माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़ें, अच्छा जीवन जिएं, पुनर्वास करें, कोई विशेष बात हो तो वह भी हमको स्पष्ट करें, जिसके लिए पहले ही गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी वगैरह जारी किया गया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बीच रोहिंग्या मुसलमानों पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा चुकी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की सरकार को रोहिंग्या मुसलमानों को खोज निकालने का चैलेंज दिया है। बघेल ने कहा कि बीजेपी राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी चर्चा करती थी, लेकिन अब तो उनकी ही सरकार है, उन्हें खोज लेना चाहिए। बीजेपी कहती है कि रायपुर दक्षिण में है, सरगुजा में है, लेकिन अब तो वो सरकार में है,
तो मैं चुनौती देता हूं कि वो खोज लें। सुनिए क्या कुछ कहा है। जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे, सरगुजम आ गया है, रायपुर दक्षिण में आ गया है, 6 महीने हो गए सरकार, एक भी बता दे इनको चुनौती दे रहा हूँ। केवल वोट की राजनीति के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम इनका रहा है, और उसे बाज आए सत्ता में है। शर्मा जी, अभी इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। यदि उसके पास कोई शिकायत है, क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढने की चुनौती पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने जबरदस्ती रोहिंग्या शब्द जोड़ दिया। ये उन्होंने कहा, नए केस हमारे पास हैं जिन्हें गांव वाला और बीएलओ नहीं जान रहा है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। हर तरह के व्यक्ति और बातों को कहते हैं ये गलत है, परिस्थितियों को बदलने की कवायद गलत है। सुनिए। हम तो कह रहे हैं कि ये कौन है बताया जाए जो आए हैं। आपके रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भाई हमारे कवर्धा के कुछ लोगों ने आकर के, दोबारा भी कर लेंगे और नए केस हमारे पास हैं। वो कौन है भाई, आइडेंटिफाई करके बताएं वो कौन है जिनको ना गांव वाला जान रहा है ना बीएलओ जान रहा है, वो कैसे गाँव में घुस कर आ गए भाई? और एक गाँव नहीं भाई, गाँव गाँव में ऐसा हो गया है, स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं वो अपने शब्दों पर हो जाने उसको क्या कहेंगे, हम तो ऐसे हर तरह के व्यक्ति को, और उसे मुसलमान ही नहीं भैया और भी बातें, हर तरह की बातों को अपन कह रहे हैं कि यह गलत है भाई, ऐसे घुसपैठ गलत है, इस तरह से परिस्थितियों को बदलने की यह कवायद गलत है, स्थानीय लोगों को पीड़ा होती है, विवाद हुआ। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, रोहिंग्या मुसलमानों पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा चुकी है, भूपेश बघेल खुला चैलेंज दे रहे हैं, तो वहां पर डिप्टी सीएम इस पर पलटवार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में इस मामले को लेकर के जम से राजनीति तूल वो पकड़ा हुआ है, और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज कसा है और ये कहा है कि ढूंढ ले, सरकार तो अब बीजेपी की है। और ठीक डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि बीएलओ नहीं जान रहे हैं, गांव के लोग नहीं जान रहे हैं कि अचानक से ये लोग आ कहां से गए, और सबसे खास बात यही है कि कई गाँव में इन्हें वोट करने भी नहीं दिया गया है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार ने ये सीधा सीधा कह दिया है कि उनके पास प्रमाण है, सबूत है, गांव में कई जगह इसका विरोध भी हुआ है, अब कांग्रेस है वो परिस्थितियों को बदलने का काम कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है और भी कर ले। तो ये सीधा सीधा जाहिर है कि पूर्व जो सरकार है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके जो बयानों पर तंज कसते हुए विजय शर्मा ने कहा है कि इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उनके पास प्रमाण भी है। इससे पहले भी उन्होंने अपने बयान पे साफ तौर पर कहा है कि उन्हें कई जगहों से शिकायत मिली है और इसकी जांच होगी कि आखिर यहाँ किस तरह के लोग हैं वो आकर के बस गए हैं। जो लोग, उन्होंने ये भी डिफाइन कर दिया है कि सिर्फ रोहिंग्या की बात नहीं है, बल्कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि रोहिंग्या शब्द को जोड़ा गया है, बाकी ऐसे हर वर्ग के लोग हैं जो गांव तक पहुंच गए हैं और उन्हें बीएलओ तक नहीं जानते। हाल ही में चुनाव हुआ है तो ऐसे में बीएलओ अगर नहीं पहचानते हैं तो इस तरह की परिस्थिति है, इस तरह की जो बात है वो आई है। अब उसके बाद ऋतु जाँच के आदेश दिए गए हैं, देखना ही होगा कि अब जाँच में पूरा किस तरह से खुलासा होगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। इधर जाति प्रमाण पत्र पर भी सियासत तेज हो चुकी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर बघेल ने कहा है कि बीजेपी सरकार एसटी एससी ओबीसी के विरोधी है, जब से बीजेपी सरकार बनी है जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया। विजय शर्मा एक भी शिकायत बता दें, उन्होंने ये कहा कि एक भी शिकायत बता दें, जांच के आधार पर करेंगे। बीजेपी सरकार सिर्फ जांच के नाम पर गुमराह करना चाहती है। लेकिन ये है, तो शिकायत है, क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं, सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना जांच कर पाए थे योगी का, वो जांच माफ करेंगे?